एक तोड़ने के चक्कर में ना हुआ क्या कि बहुत सारा टूट के गिर गया। चिकन मोमोज खाना, चिकन मोमोज। इसको लग लग है, बहुत चटोर। हम लोग का मोमोज आएगा, हम लोग का कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेफाली सुपर वीडियो। एंड वहीं पे मैं बैठी हूँ जहाँ पे मैं हमेशा बैठती हूँ और यहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है मंडे एंड संडे व्लॉग आप लोग देख चुके होंगे एंड कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैं बहुत थकी हुई हूँ बट आज तो स्कूल जाना था और उनको कल मतलब रात में हम लोग 10 बजे सो गए थे, 9:30 में लाइट आई थी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और उसके बाद हम लोग मैं उठी हूँ 4:30 बजे और पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या छोटा, वो छोटा वाला ना अपने गाड़ी में ही रख लीजिए, छोटा वाला लीजिए ना, छोटा वाला सो गाड़ी में ही रखिए, डिक्की में रख लीजिए। डिक्की में मैं ऐसे देखे हैं, दो कपड़ा देखे हैं। हाँ तो मैं कहाँ थी, हमेशा ना मैं जब भी ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ लोग मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत गुस्सा मुझे आता है। तो उठी थी 4:30 बजे, उसके बाद फटाफट से आलू चना और सोयाबीन का सब्ज़ी बनाई और आरू को दे दी। उसके बाद ना अरे यार मुझे याद आया कि इनको सब्ज़ी के लिए बोलना है, एक मिनट। तो इनको सब्ज़ी के लिए बोल दी हूँ, ये मांग रहे छोटा सा बैग यानी छोला, इनको दे देती हूँ मैं छोला। और यहाँ पर मैं रखती हूँ अपना छोला और ये सारे कपड़े ना कल मैं धो के गई थी वॉशिंग मशीन में तो ये फैला के मेरी हेल्पर चली गई थी। तो ये एक बैग मैं उनको दूंगी ताकि कम से कम इसमें सब्जी आ जाए, कुछ तो आ जाए। लीजिए। तो ये चले गए लेकर बैग और अब मैं फिर से वहीं बैठ गई हूँ। अभी टाइम हुआ 8:15, ये देखिए टाइम हुआ 8:15। और अब ना मतलब कल दिन भर पानी में रहे थे और रात में जब हम लोग सो गए थे तो बीच रात में एकदम ज़ोरदार बारिश, बहुत मतलब ज़ोरदार बारिश। तो मैं सो रही थी तो मेरे को आवाज़ आया था ना पानी गिरने का, तो मैं इनको रात में 2:30 बजे उठाई और बोली कि अनूप देखो लगता है ना हम लोग का टंकी ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं तो एक्सपेक्ट तो था नहीं कि बारिश होगी क्योंकि उन लोग गए थे ना वहाँ वाटर पार्क, तो जब हम लोग लौट रहे थे तो वहाँ बारिश हल्की हल्की हो रही थी, मैं आपको बताई भी हूँ। तो ज़्यादा नहीं सिर्फ बूंदाबांदी जो होता है वो हुआ था, बट रात में 2:30 बजे मुझे लगा कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है मेरे टंकी से, तो मैं इनको उठा के बोली जाइए जाइए जल्दी से बंद करके आइए नल। और ये गए ना तो बोले कि नहीं बारिश हो रही है तेज वाली। तो मैं वाह मौसम एकदम सुबह अच्छा रहेगा, धूप नहीं रहेगा, ये मतलब मेरी बेटी को रिलीफ मिलेगा। मतलब होता है ना कि बारिश में थोड़ा मौसम अच्छा करता है, क्लाउडी क्लाउडी, तो मैं बहुत खुश थी। और सुबह में उठी भी तो 5 बजे मतलब 4 बजे 4:15 में, साढ़े चार में तो उठी थी, तो मौसम एकदम बहुत सुहाना था, मतलब जल्दी से साफ नहीं हुआ था। पर देखिए अभी देखो बाहर धूप हो गया एकदम भयंकर वाला। तो अभी मैं जस्ट चाय वगैरह पी के बैठी हूँ और दाल मैं चढ़ा दी हूँ, मतलब मसूर का दाल बना रही हूँ आज, सिर्फ और सिर्फ मसूर का दाल। तो वो मेरा कुकर में डाला हुआ है और अनूप गए हैं तो पैसा देकर गए, इसको रखना है और बोले कि इसको रख दो नहीं तो तुम भूल जाओगे। सही बोले, एकदम सही बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ अपना पैसा रख के, अपना ज्वेलरी रख के, और मैं लगता है कहाँ चला, क्या लगता है गिर गया, चलो भुला गया, मैं ऐसे ही सोचती थी चलो खो गया भुला गया मेरा, बहुत मतलब एकदम ये हो जाती हूँ। बट मेरा कहीं ना कहीं रखा होता है और मिल जाता है बाद में। और अभी मैं घर का आपका हाल दिखाऊं, कल जो वहाँ से कपड़ा जो गीला वाला था और जो हम लोग पहन गए थे वो खोले थे, तो वो सारा कपड़ा देखो अभी बैग से निकला है। ये देखो पूरा बेड का हालत देखिए, और ये सब मैं नहीं करती, ये सब अनूप करते हैं। ये देखो हाल क्या है बेड का, तो जब आरू जाती है ना स्कूल तो कुछ घर का हालत ऐसा ही रहता है, जिसको जहाँ मन किया जो चीज़ मन किया रख देता है। और मैं भी बहुत हड़बड़ में रहती हूँ ना सुबह में, तो सोचती कि चलो भाई जो मतलब
रख देते हैं अच्छे से उसको, मतलब बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे। सुबह में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होता है इसलिए सब हो जाता है। अब मैं अपने गोदरेज का चाबी कहाँ रखी हूँ मिल नहीं रहा है। भूलने का प्रॉब्लम हम दोनों हस्बैंड वाइफ को है, बहुत ही ज़्यादा वाला भयंकर वाला है। कहाँ रखे थे कोई याद ही नहीं, पहले ढूंढ लेती हूँ। बट आज क्या हुआ कि मैं बात करने के चक्कर में इतना ज़्यादा मशगूल हो गई कि भूल गई आरू का आने का टाइमिंग है। आरू तो फिर आरू खुद से गेट खोल के अंदर आ गई और अफसोस होता है। तो मेरा थोड़ी देर पहले मैं बाहर निकली थी कि मेरा कुरियर आया था, कुछ मंगवाई थी मैं। ऐसे पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे मैं मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग की थी फ्लिपकार्ट पे, वो मैं बोली थी आपको दिखाऊंगी। मैं ट्रायल करके देखी तो 3 उसमें से मुझे पसंद नहीं आया, जिसको मैं रिटर्न कर दे रही हूँ अभी। रिटर्न करने का मतलब होता है ना, रिटर्न करने के बाद कुछ देर बाद आता है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उसको की हूँ तो रिटर्न। उसके बाद हाँ बोलो, चलिए 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 चला देते हैं। तो रिफ़ंड करूँगी, मुझे और दूसरा नहीं लेना, क्योंकि मुझे कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी मस्त वाला नहीं था कपड़ा। जैसे मैं मिंत्रा से मंगवाती हूँ ना, तो एकदम मेरा कपड़ा वही होता है जिसको मैं ऑर्डर करती हूँ। तो अभी मैं ना चढ़ाई हुई हूँ ये नेनुआ और चना का सब्ज़ी चढ़ाई हुई हूँ, और अभी बनाने जा रही हूँ मैं ये आम का चटनी। आम का चटनी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और गर्मी में खास करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आम मेरे घर में होता है और कल काफ़ी बारिश हुआ इधर, आपको पता ही है, तो बारिश के कारण बहुत सारा आम टूट के गिर गया था। तो वही मैं सोची चलो चटनी उसका बनाते हैं। तो बस ये सब्ज़ी हो जाएगा ना, उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। दाल तो मेरा बन गया है, उसको ढक देती हूँ। आलू टीवी स्टार्ट करने बोल रही है, और मैं क्या मंगवाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आलू आओ बेटा, टीवी स्टार्ट कर देना, थोड़ी देर टीवी देखो, उसके बाद मैम स्टेशन वाली मैम का होमवर्क कर लेना। और आज मौसम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि धूप भी है बट रात में बारिश हुई है ना, सो
सोचो। तो मतलब कि रात में बारिश हुई थी इसलिए आज थोड़ा मौसम अच्छा गया हुआ है, गर्मी नहीं लग रही बट धूप तो है। और ये है मेरा पार्सल, मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या मंगवाई हूँ। करूँगी ना तो इसका पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मेरे स्किन पे कैसा रहा एंड ये मतलब कैसा इफ़ेक्ट करता है, इफ़ेक्ट अच्छा होता है या नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारा सनस्क्रीन यूज़ की हूँ, मैं यूज़ की हूँ लोटस का, लैक्मे का, और एक तो पहले यूज़ करती थी उतना मतलब पता नहीं था तो मैं उसको डायरेक्ट फेस पे लगा लेती थी, उतना पता नहीं था। बहुत पहले की बात बता रही हूँ जब मैं पढ़ती थी 11th 12th में, बट उसके बाद मुझे पता चला कि सनस्क्रीन ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, वो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाइए तब उसको 2 मिनट के लिए छोड़ने के बाद सनस्क्रीन लगाया जाता है। पहले मैं सनस्क्रीन लगाती थी ना तो पूरा डायरेक्ट स्किन पे लगाती थी, उसके कारण ना आँख में बहुत ज़्यादा जलन होता था और आँख से आंसू बहता था, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों होता है। तो अभी मैं किचन में इसलिए हूँ कि मेरे रूम की सफाई करिए, मेरी हेल्प कर, आरू टीवी चलाई है तो यहीं थोड़ा सामती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मेरी सिस्टर लगाती है तो वो बोली कि बहुत अच्छा है ट्राई करो, तो मैं इसको ट्राई करने के लिए मंगवाई हूँ। लाइट वेट है एंड ऑयल फ्री भी है, बहुत अच्छा होगा मुझे पता है। तो इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कैसा रहा मेरे स्किन पे। मेरा स्किन थोड़ा ड्राई है, आप कॉम्बिनेशन स्किन भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा ड्राई रहता है जब सुबह मैं उठती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल होता है, तो आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन है। ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, मैं पहली बार मंगवाई है ना इसलिए मुझे अच्छे से पता नहीं था, बट मैं अभी देख के आपको बता रही हूँ। और इस रूम का साफ सफाई हो गया है, ये देखो क्लीन हो गया पूरा। ऐसे मैं हमेशा करती हूँ साफ सफाई, बट कभी कभी अपनी हेल्पर से भी करवा लेती हूँ क्योंकि वो कर देती है। इसको मैं यहाँ रख दे रही हूँ, अब कल मैं इसको यूज़ करूँगी। ऐसे घर में रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा वाला यूज़ नहीं करूँ, 25 वाला जो है ना 24 तो वो मैं यूज़ करूँ घर के लिए। बाहर निकलने के लिए 50 वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अभी जो गर्मी में जो धूप है ना वो बाहर निकलने के बाद ये 50 वाला ही वर्क करेगा, 24 वाला नहीं करेगा, तो इसलिए मैं मंगवाई हूँ। जैसे होता है क्या कि मैं चली जाती हूँ शॉपिंग करने या फिर चली जाती हूँ गोलगप्पे खाने तो थोड़ी देर के लिए निकलती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे स्किन के लिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ड्राई भी है, सेंसिटिव भी है, और मतलब ऑयल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिर्फ आता है इस एरिया में, ज़्यादा दूर नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, यही लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पेड़ से जितना आम टूटा है, जो गिरा है वो कितना सारा हो गया है। अब मुझे ना कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये रखे रखे ही सड़ जाएगा। जैसे ये देखो ये सड़ रहा है, बट ये पूरी तरह से नहीं सड़ा है, मैं एक साइड से इसको निकाल लूँगी। तो ये सब मेरे पेड़ का है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या ही बनाऊँ, उतना कुछ तो आता नहीं बनाने। ये देखिए मैं आपको पेड़ का आम दिखा रही हूँ, मेरे घर में जो पेड़ है इसी पेड़ से मेरा आम गिरता है। ये देखिए जिन जिनको आम चाहिए होगा मुझे बोलिएगा, मैं उनको सेंड कर दूँगी, कुरियर कर दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा आम लगा है इस बार। और ये हर साल आम देता है ये वाला पेड़, ऐसे होता है एक साल गैप होता है फिर एक साल सीज़न होता है, तो बट ये हर साल देता है ये आम। और मेरा पपीता है वो भी पक गया है, मुझे यहीं से येल्लो येल्लो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जो एक छोटा सा है ना ये इस एरिया में यहाँ पर वो येल्लो येल्लो होया हुआ है, तो मैं उसको भी तोड़ूँगी आज। क्वार्टर्स का यही मज़ा होता है, थोड़ा तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है, क्योंकि आपके हिसाब से पानी आता है, मतलब उनके हिसाब से पानी आता है, आपके हिसाब से तो आता नहीं, टाइमली आता है, लाइट भी टाइमली कटता है, और मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, बट आपको यहाँ पर का इन्वायरमेंट एंड यहाँ पर का फ्रेश एयर एंड यहाँ पर का जो ओरिजिनल चीज़ है मिल जाता है। घर का पेड़ है तो मैं यहाँ का पेड़ से ही भी बना रही हूँ ये पुदीने का चटनी, और धनिया पत्ता, पुदीना, आलू, मैं सब कुछ निकाली थी इस बार, मतलब मैं उगाई थी ठंड में, आपको पता ही है। तो पपीता भी मैं इसमें से तोड़ तोड़ के बहुत खाई हूँ, बहुत सारा, और दो फेंकी भी हूँ, क्योंकि पहले ही एक तोड़ने के चक्कर में ना हुआ क्या कि बहुत सारा टूट के गिर गया, तो सड़ जाता है ना ज़्यादा दिन रखने से, तो वो सड़ गया, मैं उसको फेंक दी थी। तो इस बार आम जो पका है मतलब लगा है ना, इस पर बहुत लोगों का ध्यान है, बहुत लोग देख के बोल रहे हैं। पिछले बार भी जब ठंड में जो चीज़ भी लगाई थी सब कुछ सबको थोड़ा थोड़ा शेयर करी थी,
जैसे पालक साग, आलू एंड मूली, ये सब चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा उगाई थी ना वो सब दी थी। जैसे धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा नहीं उगाई थी तो मेरे लिए ही था पूरा ठंडा, वो चल गया। फिर तो टमाटर और क्या मटर ये सब मैंने दी थी, ये थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हुआ था, बस मेरे लिए था। जो ज़्यादा मैं उगाई थी वो मैं सबको थोड़ा थोड़ा बांटी थी, होता है ये सब लोग देते हैं। जैसे सहजन, जो सहजन हुआ था वो भी मैं शेयर करी थी बहुत लोगों के साथ, भेजी थी। तो ये आम मैं किसको किसको देती हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान है, बहुत लोगों का ध्यान है। और पपीता पर उतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि किसी को उतना पपीता पसंद नहीं होता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखते हैं किसको किसको दे पाते हैं इस बार। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया है और ना मुझे बड़ा मन कर रहा है मोमोज खाने का, और वो भी चिकन वाला मोमोज, जो बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी होता है। मैं चिकन वाला कभी ट्राई नहीं करी हूँ, वेज वाला की हूँ। तो मैं बोलूँगी अनूप से लाने के लिए, ला दीजिएगा। सुनिए, चिकन मोमोज खाने का मन कर रहा है, कल ही ना खाए वो। तो अनूप से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को मोमोज खिलाइए प्लीज। कल ही ना खाए वो मोमोज। अरे हाँ, कल तो खाए हैं पर फिर भी मन कर रहा है फिर से चिकन मोमोज खाना है। चिकन मोमोज इसको लत लग गया, बहुत चटोर हो गई है डेली डेली। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, आपको लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ले आए। आरु तुमको खाना है? हाँ। लो पापा को बोलो, पापा को खाना है। ठीक है ठीक है, कौन सा खाओगी, वेज वाला या चिकन वाला? हाँ चिकन वाला नहीं खाओगी? हम तो चिकन वाला खाएंगे। ठीक है, हाफ चिकन हाफ वेज ले लेंगे। हाँ ठीक है, पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग का मोमोज आएगा, हम लोग का मोमोज आप खाइएगा। हम अपना मन से नहीं देंगे, बोल दे रहे हैं हम छह का छह खाएंगे। ठीक है, तो अगर खाना हो तो अपने लिए लेके आइएगा। अनूप को उतना पसंद नहीं आता है मैदा का चीज, बट मैं भी नहीं खाती थी। ये खुशफहमी मेरे को भी था कि अच्छा नहीं होता है, बकवास होता है ये सब, अनहेल्दी चीज, अनहेल्दी तो होता है बट कभी कभी। आज मैं शादी के 6 साल बाद मोमोज ट्राई की हूँ, मतलब हमेशा अनूप बोलते थे कि मोमोज खाओगी, बट मैं हमेशा मना करती थी, नहीं 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 अच्छा नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है, क्या बॉयल चीज़ खाना। बट खाने के बाद पता चला कि उसका कितना टेस्ट होता है। कल भी हम लोग खाए थे स्टार्टर में, तो वहाँ का तो और भी अच्छा था, रेस्टोरेंट का था बहुत ही अच्छा था, तो ज़्यादा ही मज़ा आ गया था खा के। बट देखते हैं आज ट्राई करके देखिए कैसा मोमोज आता है। तो जाइए और लेके आइए मेरे लिए टेस्टी। तो आज पहली बार मैं चिकन मोमोज खाने जा रही हूँ, तो मैं खा के बताती हूँ कैसा है। ठीक है सर, ये किस चीज़ का चटनी है? अच्छा, अब इसको खा लेते बाद में। बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। सो फ्रेंड्स, हम लोग खा लिए मोमोज, और मोमोज में ना मुझे थोड़ा सा ये लगा, आई थिंक मुझे चिकन मोमोज उतना पसंद नहीं आया, तो मैं ज़्यादा वेज वाला खा ली हूँ। आरू को चिकन वाला अच्छा लगा तो वो खाई, तो मुझे चिकन वाला उतना कहते हैं ना खाने के बाद अच्छा फील नहीं हुआ। बट वो जो वेजिटेबल वाला था वो तो मैं और भी खा सकती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब से मैं चिकन मोमोज कभी नहीं मंगवाऊँगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, क्योंकि मैं खा के अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलते हो अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।